वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताएंगे, अगर आपको आपके घर के अंदर खुशहाली चाहिए, धन संपत्ति शांति चाहिए, तो आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ तस्वीरें आपको लगाने होती हैं, या तो कुछ तस्वीरें आपको नहीं लगानी होती है। कुछ लोग घर में ऐसा ही बहुत सारी तस्वीरें लगा देते हैं। वास्तुशास्त्र हमारी परंपरा में युगों युगों से चला आ रहा है। पहले के जो राजा महाराजा थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो जो महल बनवाते थे, कुछ भी बनवाते थे, वो सब कुछ वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही बनवाते थे। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण की द्वारिका, रावण की लंका, भगवान राम की अयोध्या, सब कुछ वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही बनी हुई थी। वास्तुशास्त्र एक साइंस है जो हर एक चीज़ को एनर्जी से जोड़ता है। या तो वो एनर्जी पॉजिटिव होती है या तो वो नेगेटिव होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार संसार की हर एक चीज़ वो ऊर्जा पैदा करती है, या तो वो पॉजिटिव होती है या तो वो नेगेटिव होती है, और उसका प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार ज़रूरी है कि आप अपने घर के अंदर कुछ चीज़ें रखें, या तो आपने रखी हुई है वो ना रखें जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही हो। सबसे पहला है वो है महाभारत युद्ध की तस्वीर। बहुत सारे लोग महाभारत युद्ध की तस्वीर अपने घर के अंदर लगाते हैं, लेकिन आपको ये जानना आवश्यक है कि अगर आप महाभारत युद्ध की तस्वीर अपने घर के अंदर लगाते हैं तो इससे आपके परिवार के अंदर कलह बनता है और आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर इसमें प्रॉब्लम्स होती है ये तस्वीर लगाने से। चाहे वो भले ही वो भगवान कृष्ण की तस्वीर हो, लेकिन महाभारत युद्ध की तस्वीर वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं लगाई जाती। अगर आप अकेले रह रहे हैं, अगर आपका परिवार नहीं है, तो ही आप महाभारत युद्ध की तस्वीर आप लगा सकते हैं। भी इसमें अगर आपका पूरा परिवार है तो कलह का वातावरण बनता है महाभारत की तस्वीर से। फिर इसके बाद दूसरा है, वो है कभी भी आपके घर के अंदर ताजमहल, कब्र, किसी की समाधि, ऐसे सारे चित्र आप कभी भी ना लगाएं। कुछ लोग ऐसे सारी चीज़ें लगा देते हैं, कुछ लोग लाफिंग बुद्धा लगाते हैं, लेकिन वो लोग कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा लाफिंग बुद्धा लगाए। लाफिंग बुद्धा में बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको धन संबंधी आपको कुछ चीज़ लगानी है जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, तो आप धन की एक पोटली की तस्वीर लगा सकते हैं और इसको आप अपने बेडरूम के किसी भी कोने के अंदर रख दें। धन की पोटली की जो तस्वीर आते हैं वो आप लगा सकते हैं, या तो उत्तर दिशा में आप धन की देवी लक्ष्मी या कुबेर जी की तस्वीर आप लगा सकते हैं। फिर कुछ लोग पूर्वजों की तस्वीर होती है, जो मृतक लोग होते हैं, उनकी तस्वीरें देवी देवताओं के साथ लगाते हैं। ऐसा आप कभी भी ना करें, इससे आपके घर में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी हानि होती है, नेगेटिविटी घर में बढ़ती है। अगर आपको पूर्वज की तस्वीर लगानी है, किसी मृतक की तस्वीर लगानी है, तो आप घर की उत्तर दिशा में लगाए और इस तरह से लगाए कि उनका मुख दक्षिण दिशा में रहे। इसी तरह से पूर्वज जो है उसकी तस्वीर हमेशा घर के अंदर लगाई जाती है। फिर घर के अंदर कभी भी किसी पानी की तस्वीर ना लगाए। जिस तस्वीर के अंदर आपको पानी दिख रहा हो, सिर्फ पानी हो, कभी भी आप ना लगाए, क्योंकि आप ये किस चीज़ का इशारा करती है वो आपको शायद ही पता होगा। पानी की तस्वीर दाम्पत्य जीवन के अंदर पति पत्नी या किसी तीसरे व्यक्ति का इशारा करती है, तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो। तो ऐसी तस्वीर आप कभी भी आप अपने घर के अंदर पानी की भी ना लगाएं। फिर किसी भी जानवर की तस्वीर आप ना लगाएं, जैसे कि बाघ, सियार, सुअर, गिद्ध, सर्प, ऐसी चीज़ें जो है, इनकी जो तस्वीरें है उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कभी भी आप ऐसी चीज, ऐसी तस्वीर या इनकी मूर्ति भी कभी घर में ना लाए, कभी भी ना। अगर आपको तस्वीर लगानी है तो घर की पूर्व दिशा की जो दीवार है उसके ऊपर आप समुद्र में दौड़ते घोड़ों का चिन्ह जो होता है उनकी तस्वीर लगाए। ये आपके जीवन की जो गति है, आपकी गतिशील ऊर्जा को दर्शाता है, ये बहुत ही शुभ होती है। दूसरा, आप धन संबंधी लाभ चाहते हैं, दूसरा बहुत सारा लाभ चाहते हैं, तो आप पानी में तैरती मछली की तस्वीर लगाएं। फिर आप जो ध्यान मुद्रा में स्थित बगुला होता है, एक पैर पर खड़ा हुआ, उसकी भी आप तस्वीर लगा सकते हैं। और आपके घर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप आते जाते समय हर बार आपकी नज़र पड़े
उस जगह पे आप इस बगुलों की तस्वीर को लगाए, आपको बहुत ही फायदा होगा। या तो आप ध्यान मुद्रा में बैठे भगवान महावीर की, भगवान बुद्ध की, या तो आप भगवान शिव की तस्वीर भी लगा सकते हैं। कभी भी घर के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीर ना लगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि घर में हर जगह पे देवी देवताओं की तस्वीर लगा देते हैं। ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि इससे आपको लाभ नहीं, आपको हानि होती है। घर की दीवार पर आप देवी देवता की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन आप उसी स्थान पर लगाए जहां पर पहले से आप लगा रहे हो, या तो कोई ऐसे स्थान पर लगाए जहां पे आपकी नजर पड़े। हर एक जगह पे आप नहीं लगा सकते देवी देवता की तस्वीर। कभी भी आपके बेडरूम के अंदर किसी भी देवी देवता की चित्र कभी भी ना रखें। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप सिर्फ राधा कृष्ण का चित्र आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं उत्तर दिशा पे। तो इस तरह से तस्वीर में आप बहुत सारा ध्यान रखें। कभी भी किसी की कब्र की, ताजमहल की, तो भूल से ना कि ताजमहल का शो पीस भी आता है जो लोग अपने शोकेस में रखते हैं, कभी भी ताजमहल आपके घर के अंदर भी ना लाए। ये बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा ताजमहल से पैदा होती है, क्योंकि वो एक्चुअल में है तो कब्र ही, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिनकी डेथ बॉडी ताजमहल के अंदर चुनवा दी गई थी। कभी भी ताजमहल की तस्वीर आपके घर के अंदर कभी भी ना लगाए। लगाना है तो आप मछली की तस्वीर लगा सकते हैं, फिर आप शंख की तस्वीर लगा सकते हैं। शंख लगाए घर की पूर्व दिशा में, आप शंख लगा सकते हैं। आप जो बांसुरी होती है वो आप लगा सकते हैं, चक्र की आप लगा सकते हैं, गदा लगा सकते हैं, जो हमारे हिंदू चिन्ह है उसकी आप तस्वीरें लगा सकते हैं। अगर आप हिंदू नहीं है तो आप समुद्र में दौड़ते हुए सात घोड़ों की तस्वीर लगाए। कभी भी घर के अंदर डूबते हुए जहाज या डूबते हुई नाव की तस्वीर कभी भी ना लगाए, तब नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो इस तरह से वास्तुशास्त्र का आपके घर के अंदर थोड़ा ध्यान रखें, जिससे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। छोटी छोटी चीज है, लेकिन युगों युगों से वास्तुशास्त्र हमारे यहाँ पे चलता आ रहा है, उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।